हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं एक नए तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे केस में हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे रिसेंटली अभी एक नया टीवी लगवाया है, मी का टीवी, और उसके साथ यहाँ पे एक सेल्फ वाली भी इंस्टॉल की है। आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा, ये मेरी सेकेंड सेल्फ है जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की है। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की है कि मेरा जो स्विच बोर्ड है उसमें सिर्फ जो है 3 पिन का सॉकेट एक है, ऑन ऑफ का ये सेट वाला, बाकी सब मेरे घर के रूम लाइट्स और फैन के स्विचेस है। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम मेरे को ये हो गई है कि अगर मेरे को अगर अपना अपना टीवी यहाँ पे चलाना है, और मैं यहाँ पे सेटअप बॉक्स जब यहाँ पे रख दूंगा और साथ में मेरे को अपने मोबाइल चार्ज वगैरह भी करने हैं, तो यहाँ पे जो है मेरे जो सॉकेट है वो बहुत ही कम है। अब इस प्रॉब्लम को हम बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे केस में ये पुराने तरीके के टेक्नोलॉजी वाले बोर्ड है मेरा, जैसे कि आजकल लेटेस्ट तरीके के जो आ गए हैं मॉड्यूलर स्विचेस वगैरह, उसमें जो मैं करने वाला हूँ वो इसमें पॉसिबल नहीं है वीडियो में। मगर मेरे केस में ऐसा है कि मैं यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल जो है एक्सटेंशन बोर्ड नहीं रखना चाहता हूँ, या फिर कोई बॉक्स या कहीं कुछ एक्सटर्नल एक और नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखने में थोड़ा सा गंदा लगेगा। मेरे केस में इस बॉक्स का साइज बड़ा इसलिए है क्योंकि पुराने जमाने के जो यहाँ पे बड़े वाले फैन के रेगुलेटर आते थे, जो आपको याद होगा रेसिस्टिव टाइप वाले बड़े वाले होते थे, वो यहाँ से जा चुका है। तो इसीलिए ये पुराने जमाने की होने की वजह से इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। मैं इसको इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रहा हूं कि अगर मेरा यहां पे बाकी वाली जगह बची हुई जगह में अगर मैं इसे कट कर दूं प्लेट को, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आप खुद हो सकता है ना कर पाए, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन से करवाना पड़े, या फिर आपको जितना इसका साइज है, ये 9x6 की प्लेट होगी, तो उतने ही साइज की आपको नई प्लेट खरीद के बने बनाए कट करवा के लाने पड़े, या फिर आप किसी एक किसी जो भी आपका जो इलेक्ट्रीशियन होगा उससे भी डायरेक्ट आप बोल के सब करवा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है। आप या तो मेरे इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं, या अगर आप प्रोफेशनली थोड़े साउंड हैं और इस तरीके के टेक्निकल काम की जानकारी रखते हैं, तो हो सकता है आप खुद भी ट्राई करें। मगर इसमें रिस्क बस इतना है कि अगर आपने खुद ट्राई किया और अगर आप प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है प्लेट क्रैक हो जाए, तो उस केस में फिर आपको नई ही बनवाने के लिए भागना पड़ेगा। मैं इसको खुद ही काट के बनाने वाला हूं। उसका रीजन एक ये भी है, मैं बनी बनाई नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर आप यहां पे फिटिंग देखें, अगर नई प्लेट होगी तो वो दीवार में इस तरीके से फिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ओवर द टाइम जब यहां पे पीओपी वगैरह कर रखी है तो उसकी फिनिशिंग में ये बिल्कुल सेट हो जाती है। नई वाली हो सकता है कर्व में यहां से खराब हो, छोटी बड़ी हो, पूरी फिटिंग ना बन पाए, तो वो देखने में भद्दी लगेगी। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसी एग्जिस्टिंग प्लेट में आपको जल्दी से यहां पे बता देता हूं। प्लान इस तरीके से है, मैं यहां पे इसे इस तरीके से कुछ कट कर दूंगा, और यहां पे मैं क्या क्या करने वाला हूं, बाहर की साइड एक स्विच यहां पे लगा दूंगा, एक स्विच इस तरफ लगा दूंगा, और बीच वाले हिस्से में 2 3 पिन यहां पे काट के लगा दूंगा। स्विचेस को रखूंगा बाहर की तरफ और 3 पिन रखूंगा अंदर की तरफ, जिससे हर एक को याद रहे कि इस ऑन ऑफ से मेरा पर्टिकुलर टीवी या सेटअप बॉक्स चलता है, या इस वाले डिवाइस है ये चलता है, और जो नीचे वाला पुराना वाला है ये मेरे मोबाइल चार्जिंग के लिए फिर भी फ्री रह जाएगा। तो इस तरीके का कुछ करने वाला हूं। इस काम को करने के लिए आपको जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको अब जल्दी से दिखा देता हूं। पहले तो हमें सामान में चाहिए होगी टेप, एक वायर कटर, कुछ इस तरीके की ब्लैक और रेड कलर जो मैं नए कनेक्शन बनाने के लिए यूज करूंगा, एक बड़ा वाला इस तरीके का जो स्क्रू ड्राइवर है बोर्ड वगैरह को खोलने के लिए, छोटे वाला भी होगा तो भी चल जाएगा, एक टेस्टर चाहिए होगा, एक पतला ब्लेड लेंगे जिससे हम प्लेट को बाद में काटेंगे, कुछ इस तरीके के जो है आपको 2 ऑन ऑफ के स्विच जो कि मैंने एंकर के 1 वे टाइप वाले लिए हैं, और 3 पिन के सॉकेट जो कि मैंने अगेन एंकर के लिए हैं, ये मेरे को पड़े हैं 15 15 रुपए के ईच, और जो 3 पिन वाला है ये मेरे को पड़े हैं 25 25 रुपए के। हालांकि इनके प्रोडक्ट में एमआरपी काफी ज्यादा लिखी है, मगर अगर आप किसी जेनुअन शॉप से खरीदेंगे जहां पे थोड़ा बल्क का काम होता है, आपको सस्ते में मिल जाएंगे। साथ ही आपको चाहिए होगी एक ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का काम होगा उस जो प्लेट है उसमें पहले मेरे को छोटे छोटे होल बनाने पड़ेंगे, तभी बाद में ये वाला जो ब्लेड है इसको मैं अंदर इंसर्ट कर पाऊंगा, क्योंकि हम डायरेक्ट उस हार्ड प्लेट को नहीं काट सकते, छोटे छोटे मेरे को ड्रिलिंग बिट से छेद बनाने पड़ेंगे, फिर इसे इंसर्ट करूंगा और फिर काटूंगा। वो टेक्निका मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकली बता रहा हूं। अगर आपके पास इस तरीके की ड्रिलिंग मशीन या नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी और तरीके से इसके सिवा ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपकी प्लेट भी बोर्ड की टूट जाए, फिर आपको पूरी की पूरी नई ही बनवानी पड़ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसके पुराने वाले स्टिकर जो थे वो निकाल दिए, आप समझ गए होंगे वो यहाँ पे छेद वगैरह थे पुराने रेगुलेटर की तरह, जैसे मैंने आपको समझाया था, उनको छुपाने के लिए लगाए थे। तो जल्दी से पहले मैं इसे अनबॉक्स करके यहाँ पे पूरा का पूरा अनस्क्रू करके खोल दूंगा इस बॉक्स को, उसके बाद इसकी जो भी अंदर लाइव न्यूट्रल की वायर है उसको मैं सेफली अलग अलग कर दूंगा। तो मेरे को बीच में घर की एमसीबी भी गिरानी पड़ेगी इस पर्पज के लिए, तो मैं पूरा बोर्ड निकाल दूंगा, वायरिंग कर दूंगा अलग, और वीडियो को कर दूंगा यहाँ पे पॉज। तो मैंने इसकी सारी की सारी वायरिंग वगैरह खोल दी है, मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ इसीलिए मैं इसे खुद कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल बोलूंगा आप कभी भी इसे खुद ट्राई ना करें जब तक आप बहुत ज़्यादा खुद एक्सपर्ट या फिर एक इलेक्ट्रीशियन नहीं है।
तो मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा आप किसी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन से ही ऐसा काम करवाएं, खुद बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और आप उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं कि मेरा ये वीडियो दिखा के उसे आइडिया दे सकते हैं कि आप इस तरीके से बोर्ड में एक्स्ट्रा स्विचेस जो है सॉकेट्स वगैरह भरवाना चाहते हैं, तो बाकी काम वो आपका खुद कर देगा, आप खुद बिल्कुल भी ना ट्राई करें, बहुत रिस्क है इस काम में। तो जैसे कि मैंने बोर्ड उतार लिया है तो मैं क्या करने वाला हूँ, चार जिस तरीके से मैंने ओरिएंटेशन में लगाना है उस तरीके एक साथ ऐसे क्लब करके रखूंगा। एक कार्डबोर्ड की पीस से इनका एग्जैक्ट जो है साइज नाप लूंगा, तो मेरे को छोटा ही काटना है क्योंकि साइड में यहाँ पे बाउंड्री में मार्जिन होता है दोनों साइड में और नीचे की तरफ भी मार्जिन होता है, तो काफी इसकी कटिंग कम करनी पड़ती है। अगेन अगर आप एक्सपर्ट ना है बिल्कुल इसे ट्राई ना करें। तो मैंने इसकी जो लेंथ ऐसे नाप ली है और यहां से इसकी विड्थ वगैरह भी नाप ली है, कितनी इसकी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से पर्ची में यहाँ पे इसे रखने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने होल पड़े, इन्हीं की मदद से मैं इन्हीं के रेफरेंस में यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाऊंगा। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लेड और ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पे कॉर्नर के यहाँ पे छेद करके इसका पूरा यहाँ पे कटआउट ऐसे करके बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पे तीन चार छोटे छोटे ड्रिल मार के जगह बना ली थी और आप इसे देख सकते हैं मेरा ब्लेड जो है आसानी से इस गैप के अंदर घुस गया है। तो मैंने इसे काटना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं सीधी लाइन बिल्कुल चलती चली जाएगी। जैसे ही मैं आखिरी में पहुंचूंगा तो मैंने आपके सैंपल के लिए यहाँ पे एक ड्रिल मार दिया है। तो यहाँ पे तीन ड्रिल होंगे, एक यहाँ पे, एक सेंटर पे और एक ऊपर की तरफ, तो एक एल शेप का बेंड बनाऊंगा जिससे मेरे को ब्लेड टर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जब मेरे को इस साइड बनाना होगा वैसे ही मेरे को तीन चार छेद इधर करने पड़ेंगे, तीन चार छेद इधर, ताकि ब्लेड अंदर चला जाए और फिर इस तरीके से सीधी लाइन में काटता चला जाऊं। तो दूसरी साइड की लाइन भी पूरी की पूरी मैंने सीधी तरीके से काट दी है। अब यहाँ पे छोटे वाले दो साइड भी काट देते हैं, तो इस तरीके से ब्लेड इंसर्ट करके बस मेरे को इसको सीधे सीधे काटते जाना है। तो आप देख सकते हैं इस साइड से पूरी की पूरी कट गई है, वैसे ही मेरे को बस ये लास्ट बार रिपीट प्रोसेस करना है इस छोटे वाले साइड में भी और मेरा कट करके पूरा ये पीस निकल आएगा। तो इस तरीके से कटआउट हो गया, अब जल्दी से इनको रख के नाप लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं सेंटर पे दो ऐसे करके थ्री पिन सॉकेट रखने वाला हूँ, तो इन दोनों को रख के नाप लेते हैं यहाँ पे। और साइड में मैं ऑन ऑफ के स्विच डालने वाला हूँ वन वे वाले। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे स्विचेस की जो है वो पूरी की पूरी फिटिंग बैठ गई है। मेरे को थोड़ी सी फाइलिंग करनी पड़ी, उसके लिए इस तरीके की फ्लैट फाइल आती है, तो थोड़ा सा मेरे को घिस के प्रॉपर एकदम सिलाई में बिछाने के लिए थोड़ा सा घिसना पड़ा, तो उसके बाद ही पूरी फिटिंग बैठ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस तरीके का एक परमानेंट मार्कर लूंगा। आपके पास कुछ और भी हो सकता है उससे भी कर सकते हैं, मगर क्या होता है कि आप कुछ और पेन वगैरह यूज करेंगे तो इस बोर्ड पे प्रिंट पड़ता नहीं है, तो इसलिए इस तरीके का मैं रेकमेंड करूंगा। 10 रुपए का ही परमानेंट मार्कर आता है पतली टिप वाला, इससे मैं इसके डॉट लगा लूंगा, निशान लगा लूंगा कि मेरे को कहां पे अब इनके ड्रिल करने हैं। तो इस तरीके से मैंने पेशेंस रखते हुए सारे के सारे बारी बारी जो है सारे के सारे 8 छेद कर दिए हैं, जिसमें अब मैं फिटिंग कर दूंगा। और इसमें जब मैं अपने 3 पिन और अपने ऑन ऑफ वाले स्विच को लगा दूंगा तो इसके कनेक्शन में आपको दिखाने और समझाने वाला नहीं हूं। उसका रीजन ये है, मैं ऑलरेडी इस सेम टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि एक आप एक्सटेंशन बोर्ड कैसे करें, और उस वीडियो में मैं समझा चुका हूं किस तरीके से के कनेक्शन रहते हैं। तो अगर आपको देखना होगा और डिटेल्स जाननी होगी तो आपको मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। अभी मैं इसको जल्दी से बस यहाँ पे फिटिंग करके इसके बैक साइड के सारे कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। बोर्ड के कनेक्शन मैंने अपने पूरे कर लिए हैं, तो अर्थ वाली वायर जो है वो ग्रीन वाली हो जाएगी, तो मैंने अर्थिंग की सारी कनेक्शन जोड़ दिए 3 पिन सॉकेट के। ब्लैक वाली जो है वो न्यूट्रल पे लग जाएगी, और बाकी फैन ट्यूबलाइट जो भी मेरे घर के फैन वगैरह हैं सबके कनेक्शन मैं यहाँ पे कर दूंगा। आपके कनेक्शन डिफरेंट रह सकते हैं, वो आपका जो अपना घर का कनेक्शन है उस तरीके से रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे कनेक्शन पूरे हो गए, मैंने वापस जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अब लगा के फिट करके आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है दिखने में। तो सारे के सारे मैंने पॉइंट्स वापस आप देख सकते हैं जोड़ दिए। अब मैं जल्दी से इसको दोबारा ऐसे रिवर्स वे में बंद कर दूंगा। इस तरीके से आप फाइनली देख सकते हैं पूरा का पूरा बोर्ड वापस लग चुका है। अब मेरे पास डेडिकेटेड टीवी में और सेटअप बॉक्स में लगाने के लिए इंडिविजुअल स्विचेस हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, इससे यही चलेगा और इससे यही चलेगा। इसको जल्दी से चेक भी कर लेते हैं, तो मैं अपनी माउंटिंग वाली मशीन यहाँ पे लगा देता हूँ, तो लाइट जल जा रही है, वैसे इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों पॉइंट्स ओके हैं और पुराना वाला पॉइंट भी ओके है, तो तीनों पॉइंट हो गए। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है, ये वाला चार्जिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरे टीवी और सेटअप बॉक्स के पर्पस में आ जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के जो काम होते हैं किए जा सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसीलिए मैं आपको इस वाले को खुद करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है आप प्लीज किसी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ले लीजिए, उसको इस तरीके का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो दिखा दीजिए और उसको बोल दीजिए कि हमें हमारे बोर्ड में एक्स्ट्रा जगह में एडिशनल स्विचेस लगा दें, ताकि इस तरीके से आपको कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा भार बोर्ड लगाना ना पड़े। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।